तो पिछले कुछ महीनों से या पिछले कुछ सालों से जिस तरह से बॉलीवुड की रेड लगाई जा रही है, उनकी क्लास लगाई जा रही है, फिर वो किसी भी चीज़ में क्यों ना हो, ड्रग्स से जुड़ी कई बातें सामने आई हैं और इस तरह भी लोग अब बायकॉट बॉलीवुड की एक जो एक फीलिंग है उसको स्ट्रॉन्ग करते दिखे हैं। आपको बता दें कि नेपोटिज्म का मामला भी बहुत उठकर सामने आया था और अब शाहरुख का बेटा भी जेल जा चुका है। तो इन सारी चीज़ों को देखकर जो बॉलीवुड के बड़े बड़े अब चेहरे हैं, जो दिग्गज लोग हैं, वो भी अब घबराना शुरू हो चुके हैं। तो शायद अब इस वजह से वे अपने बच्चों को अब्रॉड शिफ्ट करना चाहते हैं, अब्रॉड में सेटल करवाना चाहते हैं। इस बात को लेकर हाल ही में केआरके ने भी बात की। केआरके जो हैं वो क्रिटिक अपने आप को कहते हैं और बॉलीवुड की तमाम खबरें रखते हैं। उनका ये कहना है कि बॉलीवुड में उनके पास इनसाइड टेलर हैं जो उन्हें बहुत तरह की खबरें बताते रहते हैं अंदरूनी, और उन्होंने ये दावा किया है कि अब कई ऐसे स्टार्स हैं जो सोच रहे हैं कि अपने बच्चों को बाहर ही सेटल करवा दिया जाए तो बढ़िया है, क्योंकि भारत में अभी जिस तरह के हालात बने हुए हैं वो काफ़ी गंभीर है, और अगर शाहरुख खान का बेटा पकड़ा जा सकता है तो फिर कोई भी पकड़ा जा सकता है। इस चीज़ को लेकर ये चीज़ें सामने आई हैं कि अब बॉलीवुड में ये धारणा बन चुकी है कि अपने बच्चों को अगर सेफ रखना है तो उन्हें अब्रॉड में शिफ्ट करना ही सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर पकड़े गए तो परेशानियाँ बहुत बढ़ सकती हैं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण हमने हाल ही में देखा, जो कि हमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की तौर पे मिला। हमने देखा कि कैसे आर्यन खान को अभी भी जेल में ही रखा गया है और उन्हें बेल नहीं मिल पा रही है। अभी पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक रेड थी या इसमें क्या सच्चाई थी वो एक अलग बात हो जाती है, और क्या वाकई में आर्यन खान ने गलत काम किए हैं इस पर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन इस चीज़ों को देखकर अब बाकी स्टार्स घबरा गए हैं और वो चाहते हैं कि अब यहाँ से निकला ही जाए और अपने बच्चों को बाहर सेटल किया जाए। नेक्स्ट नाइन लाइफ की रिपोर्ट।